दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जहाँ नीचे छोटी वाली लाइट दिख रही है वहाँ पे लोग टॉर्च लेके पहुँच रहे हैं और यहाँ पे गाड़ी गिर चुकी है। कुछ नहीं है चाबी है पहले घर में जाओ पहले हॉस्पिटल चलो वो आगे चाबी मेरे पास ही है आप जाओ ना सामान दूसरी गाड़ी में अरे भाई गाड़ी में बैठ गाड़ी में बैठ यार आप चलो दोनों छोकरू पकड़ा लिए गाड़ी की ये हालत हो गई है यहाँ पे और पीछे से बंदा वॉइस गया था यहाँ से और नीचे चला गया यहाँ पे। आप भाई जी लोकल हो यहीं से? मतलब लोकल तो यार रूम है यहाँ पर। इधर देखो क्या हालत हो गई है नीचे। ये है कौन सी गाड़ी है? नहीं 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 ब्रेजा ब्रेजा लग रही है मेरे को। ये है कौन सी गाड़ी? ब्रेजा है शायद। इटियोस की लगाई मेरे को टायर से तो ये इटियोस यार क्या अभी पुलिस केस वगैरह नहीं हुआ होगा क्या इसके ऊपर? पता नहीं पुलिस केस वगैरह का तो है नहीं कुछ इसका। रुक गई कशैया नहीं तो है पेड़ में रुकी है यहाँ पे इसमें बजी ये वाले पेड़ पे ये वाला ये तो ऊपर से सीधी गई ना नीचे। हाँ सही बात है नीचे नाले में पहुंचनी थी। पहुंची थी नाले में नीचे पहुंच जानी थी और यहां ना रुकती। यहां पेड़ में निकलती पेड़ से बाहर निकल गई थी तो गई थी ये नीचे तक। बहुत एक तो कंजेस्टेड है यहां के रोड भी ना उधर देखो आप चलते भी बहुत ज्यादा बहुत तेज चलते हैं ना। फिर ये आपका डॉगी कितना प्यार हेलो खा पी के थे तो होता नहीं है। स्कूटरी वाला बजाया उसने देखे टैंकर वाला हरियाणा वगैरह क्यों नहीं है? आप कहाँ से अंकल जी? मैं तो नहीं। अच्छा मेरे को लगा कि नॉर हो गया से। वो देखो नीचे यहाँ जानी थी नीचे यहाँ नीचे पहुँचनी थी। ये अगर यहाँ पे इसमें नहीं रुकी होती ना ये वाले पेड़ में ये तो कोई वहाँ पे निशान भी है पेड़ में निशान तब उस वजह से रुकी है। सही बात है लोगों को ये वाले रास्ते से लाया गया कल और ये देख सकते हो इधर आप अभी तक यहाँ पे है गाड़ी। ये कुछ मेरे को लगा इटियोस वगैरह की टायर से तो सुजुकी या इटियोस की गाड़ी है तो पजैरो की गाड़ी है और हालत देख सकते हैं आप यहाँ से इसकी बहुत बुरी हालत हो गई है। ये देख सकते हो आप आगे से पूरा बोनट ख़राब हो गया गाड़ी का और टायर से मेरे को पता लगा टायर में पुजैरों के है अलॉयज लगे हुए तो आगे का तो पूरा कंपार्टमेंट ना ये पूरा रिप्लेस करने को है लाखों का काम पड़ गया बंदे को। यहाँ पे बजी थी ये वाली गाड़ी इस पे निशान भी लगा हुआ है पेड़ पे। ये नीचे जाने से बची नीचे नाड़े में जानी थी वहाँ पे। बहुत अच्छी किस्मत रही इन लोगों की खून वगैरह तो लगा इनको बट ये बच चुके हैं। दोस्तों ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें मैं आपसे यही निवेदन है नहीं तो ऐसी हालत हो जाती है। और ये शाम के 9:30 के आसपास की बात है कि ये हुआ है हादसा यहाँ पे। तो देख सकते हो आप कितने लापरवाह है लोग इतनी महंगी गाड़ी को नीचे फेंक दिया है। अब इस पे लाखों का काम तो होगा ही होगा और साथ में इनको डॉक्टर के पास एडमिट भी रहना पड़ेगा क्योंकि चोटें काफ़ी आई है।
चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए। सर्दियां है बहुत जोरों पे और कपड़े वगैरह पहन के रखिए ताकि बीमार ना हो। हिमाचल में रहने वाले लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा ठंड होती है, चाहे वो फिर लोअर हिमाचल है चाहे फिर वो अपर हिमाचल है। लोअर हिमाचल में कोहरा वगैरह भी पड़ता है बिलासपुर हमीरपुर साइड, और अपर हिमाचल की तो आपको कंडीशन पता ही है किस तरह की, रोड वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं। तो यार इस टाइप की चीज़ें ना ही करें, ड्रिंक एंड ड्राइव आप सूफी होके चलाएं। अगर आपको पीनी ही है तो आप रूम पे पिए या फिर गाड़ी रोक के पिए, फिर उसके बाद फिर ड्राइव ना ही करें। कोई बोलता ना कि भाई मैं करूँगा ड्राइव या फिर कम स्पीड पे करूँगा, ये कम स्पीड होती नहीं है उसके बाद वैसे एक्चुअल में, तो इस वजह से अवॉइड करें ड्राइविंग।